मोदी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी, दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी, सारी पावर गवर्नर की होगी, एलजी की होगी, सारे निर्णय एलजी लेगा। वो हमारी सारी पावर छीनना चाहते हैं। उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्यमंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी। पर दोस्तों चिंता मत करना। और देखिए इस वक्त पंजाब के मोगा में केजरीवाल एक किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वही ले चल रहे हैं। लोगों से 6 साल से लड़ रहा हूं, मेरे को पता है इनसे कैसे लड़ना है। इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं। आप किसी बात की चिंता मत करना। जब आंदोलन, जब बॉर्डर पे किसान आके रुक गए, उनकी सेवा करने के लिए हमारे सारे एमएलए, जितने एमएलए बैठे हैं पंजाब के सारे एमएलए, हमारे एमपी भगवंत मान साहब, हमारे दिल्ली के सारे एमएलए, दिल्ली के सारे एमपी, सबने वहां जाके सेवादार की तरह सेवा की। मैंने सबको बोल दिया वहां जाओगे पार्टी का झंडा नहीं लेके जाना, पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना, पार्टी का नाम भी नहीं लेना, केजरीवाल का नाम भी नहीं लेना, सेवादार बनके वाहेगुरु जी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना। इन्होंने सबने जाके रोज सेवा करी, और भी बहुत लोगों ने सेवा करी, केवल हमने नहीं, वहां पे और बहुत सारी जत्थेबंदियां हैं, सब लोग ने लंगर लगा रखा है। हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वहां सार पानी का इंतजाम करा, टॉयलेट का इंतजाम करा, हमने वहां पे लंगर का इंतजाम करा। फिर कई बच्चे आए एक दिन मेरे पास, बोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है, सिग्नल कमजोर है, हमने वहां पे फ्री वाईफाई का इंतजाम करा दिल्ली सरकार की तरफ से। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।